नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए जो कहानी लाया हूँ उसमें आपको हार्डवर्क, पेशेंस और स्ट्रगल दिखेगा जो एक जनरेशन ने किया था और उसका फल आज दूसरी जनरेशन को मिल रहा है। तो ये कहानी है श्रीना जी दाबिली, जिन्होंने एक छोटी सी लहरी से स्टार्ट किया था और एक अच्छी खासी शॉप है रानी पेरिया में। तो यहाँ पे हम रानी पेरिया में, वहाँ पे श्रीना जी दाबिली एंड सैंडविच करके एक छोटी सी शॉप है। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये शॉप के पीछे कि कैसे स्ट्रगल करके एक छोटी सी कार्ट जो लहरी से अभी वो शॉप पे आ चुके हैं। और अभी तो उनके पापा नहीं, उनके सन बैठे हैं जो अभी ये शॉप का पूरा संभालते हैं, पूरा उनका जो कारोबार है दाबिली से लेके सारा पिज्ज़ा और वो सब। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये इनकी ये क्या स्टोरी है ये दाबिली की शॉप के पीछे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हितेश नाम है मेरा। हितेश भाई नाम है? हितेश भाई। ठीक है, हितेश भाई नाम है। अपना ये शॉप का नेम क्या है पहले? श्रीनाथ जी दाबिली। श्रीनाथ जी दाबिली। जो आपकी जो ये स्टोरी है कि शुरुआत कैसे हुई थी वो आप थोड़ा बता पाओगे? शुरुआत कैसे किया था? पहले लारी थी, हाँ, बाद में दुकान थी। बराबर। और कितने साल पुरानी लारी थी? 30 साल। 30 साल। तब क्या दाबिली का प्राइस रहता था? पहले 2-2.5 रुपए था। 2.5 रुपए अराउंड, 2-2.5 रुपए अराउंड था। और तब भी ये दाबिली बेचते थे कि पिज्जा या सब? नहीं, खाली ओनली दाबिली बेचते थे। तो जैसे उन्होंने, हितेश भाई ने जनाया कि पहले 35 साल पहले उनके जो पापा जो एक लारी पे ही संभालते थे, तो वहाँ पे 2-2.5 रुपए प्राइस होता था दाबिली का। तब खाली दाबिली ही सेल करते थे। बट अभी धीरे धीरे 30 साल के अंदर उनके सन यहाँ पे पिज्ज़ा, सैंडविच, दाबिली, वड़ा पाव सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसकी मेकिंग है और कैसे बनती है यहाँ पे दाबिली, और टेस्ट करके बता दे। तो देखना पूरा वीडियो। यहाँ पे जो अपना जो दाबिली है उसकी मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पे केचप जो मसाला है वो चीज़ डाल के यहाँ पे पहले ऑयल में सेकी जाती है। आप ऑयल, बटर जिसमें आपको खानी हो वो कह सकते हो, बट यहाँ पे जो रेगुलर है वही ज़्यादा फेमस है जो दाबिली ऑयल में दी जाती है। ये जैसे एक बार सेक दी, उसके ऊपर से सेव, क्रंचीनेस के लिए सेव और प्याज, और साथ में ऊपर से और चटनी एकदम चटपटा टेस्ट के लिए, और ये ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे जिग्नेश भाई पटेल जो यहाँ पे जो कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है जो श्रीनाथ जी दाबिली पे रेगुलरली बहुत सालों से खा रहे हैं, तो उनसे यहाँ का टेस्ट के बारे में पूछते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ की फेमस है, वो क्या यहाँ पे खाना पसंद करके वो चीज़ पूछते हैं। यहाँ की दाबिली बहुत फेमस है। ओके। और सैंडविच, पिज्ज़ा सब कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पे। और इनकी खासियत ये है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है, और मेन जो है प्राइस 15 रुपये, और प्राइस एकदम बिल्कुल नॉर्मल है जो पूरे रानी पेरिया में कहीं भी इतनी प्राइस। हाँ, ये मेन जो फेमस चीज़ वही है कि 15 रुपये में जो क्वांटिटी, जो आप साइज देख पा रहे हो वो साइज, और क्वालिटी, क्वालिटी भी वो कस्टमर को खींच के लाती है यहाँ पे। आप यहाँ पे कितने सालों से खा रहे हो? मैक्सिमम 5-6 साल से खा रहा हूँ। 5-6 साल से यहाँ पे कंटिन्यूसली वो खा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कभी भी दाबिली खाना हो तो ये प्लेस सबको रिकमेंड करें। ओके ओके, बढ़िया, धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारा जो श्रीनाथ जी से दाबिली था, जो स्पेशल जो रानी का जो फेमस श्रीनाथ जी दाबिली है वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एकदम बढ़िया सा देखिए, आप साथ में सर्व की जाती है ग्रीन चटनी है, फिर लहसुन की चटनी है और केचप है। तो जैसे आपने मेकिंग में देखा तो अंदर पूरा सेव, प्याज, मसाला और चटनी पूरा भर भर के डाला है, और एकदम करारा टेस्ट है, एकदम क्रिस्पी टेस्ट है, देखने में एकदम क्रिस्पी है। तो चलिए पहला बाइट लेते हैं श्रीनाथ जी दाबिली से और बताता हूँ कैसा है यहाँ का टेस्ट। एकदम टेस्ट है वो, एक तो पहले एकदम करारा जो टेस्ट आ रहा है, जो ब्रेड का, जो दाबिली का जो पाव है उसका एकदम करारा टेस्ट आ रहा है, और मसाला एकदम बहुत ही बढ़िया सा, एकदम चटपटा
चटपटा सा टेस्ट है, ना ज्यादा स्पाइसी है ना ज्यादा मीठा है, एकदम बढ़िया ओवरऑल कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया लग रहा है दाबेली का। आप कह सकते हो तो ज्यादा स्पाइसी भी बन जाएगा जैसा आपका टेस्ट है, बट ओवरऑल जो प्राइस रेंज है 15 रुपए। मैं आपको लोकेशन बता दूं तो लोकेशन है ये रानीप गांव है, रानीप गांव में रानीप मार्केट में श्रीनाथजी दाबेली करके रहेगा और बाजू में SBI की बैंक है, तो लोकेशन में आप SBI की बैंक के एग्जिट बाजू में ये श्रीनाथजी दाबेली करके। और टाइमिंग क्या रहता है भैया अपना? सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी ये शॉप ओपन रहती है। और उसके बाजू में ही आपको अगर इनकी छोटी सी जो लारी है, जो काट जहाँ से इन्होंने शुरू किया था आज से बहुत सालों पहले, वो भी वहाँ पे ही होएगी, तो आप वहाँ से भी दाबेली इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको शॉप से खानी तो वहाँ से भी आप खा सकते हो। और मेन चीज़ मैं बोल रहा था कि 15 रुपये प्राइस याद रखना, 15 रुपये। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी है, दाबेली वड़ा पाँव पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा भी यहाँ का फेमस है, बट मैं रिकमेंड करूँगा मेनली यहाँ की जो दाबेली, और यहाँ पे क्वांटिटी में दाबेली बनती है 10-15-20, हर 10-15 मिनट में यहाँ पे बिक जाती है, एकदम क्वांटिटी में बनती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरी तरफ से ये प्लेस को थम्स अप है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारी चैनल लेट्स एक्सप्लोर विद फ्रेंड को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।